सिटी का इतना मनोबल बढ़ गया कि यात्री को ट्रेन से धक्का दे दिया गया और उसके बाद वह गिरने के क्रम में उसका पैर कट गया। जा रहे थे ये मिथिला एक्सप्रेस गाड़ी में थे जो कि टीटी ने धक्का दिया, उसके बाद वो गिर गया, उनका पैर कट गया। ये जो नवल प्रसाद कुशवाहा जो थे ये जनरल बोगी का टिकट लिए थे और स्लीपर बोगी में चढ़ गए थे। उसके बाद टीटी से मिले, टीटी बोले क्या जो उतरने के लिए, तो बोले क्या अगले स्टेशन पे हम उतर भी जाएंगे। ये इन दोनों में ये बातचीत हुई। उसके बाद टीटी साहब ने किस लिए भड़क गए पता नहीं, उनको धक्का ही दे दिया। धक्का देने के क्रम में वो ट्रैक पे गिर गए और उनका पैर कट गया और उसके बाद अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के क्रम में सुनने में आ रहा है कि उनका डेथ भी हो गया। अब पता नहीं, ये तो हम कंफर्म नहीं करते हैं वो उनका देहांत हुआ है कि नहीं हुआ, बट सुनने में ये भी आ रहा है कि उनका मृत्यु हो गया। ये पूरा घटना सही सही आपको बता रहे हैं। ये मिथिला एक्सप्रेस की घटना है जो कि यहाँ से जो मिथिला एक्सप्रेस की घटना है जिसमें कि टीटी साहब जो थे एक यात्री से बातचीत करने के दौरान उनको धक्का दे दिए और वो गिर गए। यहाँ नीचे में आपको विजुअल भी दिखाया जाएगा साफ साफ कि कैसे क्या हुआ है। और ये मोतिहारी से ये नवल प्रसाद कुशवाहा जो थे मोतिहारी से बिलोंग करते थे और इनको धक्का देने के क्रम में पैर नीचे गिर गया, उनका पैर चोटिल हो गया और अस्पताल ले जाने के क्रम में अस्पताल भी ले जाया गया और उसके बाद इनका मृत्यु हो गया। अब ये हम कंफर्म नहीं करते हैं कि हुआ है कि नहीं, ये सुनाई बात है जो हम आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, टीटी साहब का इतना ना मन भर गया कि ट्रेन से धक्का, आए दिन ट्रेन में ये वाक्या होते रहता है कि आप सुनते हो क्या 200 पैसेंजर के जगह 500 पैसेंजर ठूसा जाता है जनरल में हर एक बोगी में और टीटी साहब भी चलान करते हैं, उसके बाद वेटिंग लिस्ट वाला भी सारे मतलब टिकट का पैसा तो फुल लेते हैं और पर सीट नहीं मिलता। ये बात अभी छठ पूजा के पहले भी सुनने में आया होगा कि एक पैसेंजर का अफरा तफरी में जान चला गया, कुचल के मार दिया गया, कोई नहीं दिया, वो कुचलने की वजह से उनका मौत देहांत हो गया। ये छठ पूजा के टाइम में अभी ये एक घटना तुरंत है जो टीटी साहब धक्का दिया, उनका पैर कट गया और उसके बाद हॉस्पिटल में गए और जाते क्रम पता नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है, बट सुन रहे हैं कि उनका मृत्यु हो गया। मतलब टीटी साहब का इतना मनोबल बढ़ गया। ये उजियारपुर का घटना है। चलिए यहीं पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं वीडियो को और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।